दोस्तों जी, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग इनक्यूबेटर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये मेरे जितने भी इनक्यूबेटर्स हैं उनमें से मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये इनक्यूबेटर है DC इनक्यूबेटर, टोटली प्योर DC इनक्यूबेटर जो इस बैटरी के ऊपर फिलहाल चल रहा है। ये जो बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है, इस बैटरी पर चल रहा है। आप इसको बड़ी बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं। ये टोटली DC इनक्यूबेटर है, इसके अंदर लाइट का बिजली का कोई सीन नहीं है। ये जनाब इसका कोई कन्वर्टर का सीन नहीं है, ये टोटली 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड है। और इसके अंदर हमने नाइक्रोम वायर की मदद से इसका हीटर हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इसके फीचर्स क्वालिटी वगैरह दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी ये एक इनर LED लाइट भी लगाई है ब्लू कलर की, और इसके ऊपर एग को चेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक कैंडल लाइट दी हुई है। अब इसको हम थर्मोस्टेट वही हमने DC के ऊपर भी लगाया है। और मैक्सिमम पहले दोस्तों इसका जो लोड है ना, इसका जो अंदर हीटर लगा हुआ 4 एम्पीयर तक का लोड है, ठीक है। ये बहुत ही शार्प किस्म की इसके अंदर LED लाइट लगाई है ब्लू कलर की। ये बहुत ही प्यारे ये ट्रे लगाई गई है, बहुत ही प्यारी और मिनी ट्रे हमने लगाई है। ये जनाब इसकी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35 अंडे इजीली आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पानी रखने की जगह भी काफ़ी वसी बनाई गई है। मैं LED ऑफ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना ब्लू हो गया है। तो यहाँ पे पानी रखने की जगह है, मतलब डायरेक्ट पानी इसके ऊपर नहीं, इसके अंदर नहीं आएगा। किसी बर्तन के अंदर आप पानी रखेंगे फिर इसके अंदर नमी का सिस्टम बनेगा। वही सिस्टम है जनाब, ये हमने सेंसर हमेशा की तरह लटकाया हुआ होता है, क्योंकि सेंसर ने इनक्यूबेटर के अंदर की ही टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होता है, सेंस करना होता है, सॉरी। और इसके अलावा इसके अंदर फैन लगाया गया है, ये वो हीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रेड शेप होगा क्योंकि अब इस वक्त ये अपना ऑन हुआ है। ये देखिए 37.0 के ऊपर इसका ये छोटी लाइट भी चल रही है। अंदर इसका जो हीटर है ये देखें रेड कलर का होगा, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल रेड हो गया है, तो मतलब कि ये इस वक्त ऑन हुआ पड़ा है। अगर थोड़ा सा मैं नीचे हाथ रखूँगा तो ये गर्म हवा दे रहा है। अच्छा, 37.3 के ऊपर टेम्परेचर है। अब मैं कोशिश करता हूँ, ये सर्दियों में भी इंशाल्लाह परफेक्ट चलेगा, गर्मियों के अंदर भी परफेक्ट चलेगा, ठीक है। ये फहद कुरेशी साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने इस इनक्यूबेटर के लिए मैक्सिमम 1.5 माह सफ़र किया है, उसमें गलती हमारी है, हम उनसे सॉरी भी करते हैं। कुछ मजबूरियाँ आ गई थी जिसकी बिना पे उनका पार्सल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन उन भाई की मेहरबानी और थैंक यू कि उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और इनक्यूबेटर का ऑर्डर बरकरार रखा। इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स के इनक्यूबेटर्स हम तैयार करते हैं, और साथ में प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हम काम करते हैं। और ये देखें, जैसे मैंने इसका दरवाज़ा बंद किया तो चंद सेकेंड के अंदर इसका टेम्परेचर बराबर मेंटेन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताऊँ, काफ़ी दोस्त कहते हैं, हमें सवाल आते हैं कि आसिफ भाई लाइट भी बंद हो जाती है, थर्मोस्टेट भी बंद हो जाता है, लेकिन तब भी टेम्परेचर जो है ना वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है, बाद औकात 38-39 पे चला जाता है। तो देखें, अब जैसे ही ये 38-39 पे जाएगा, बल्ब इसका बंद है, इट्स मीन हीटर इसके अंदर लगे हुए हैं, बल्ब इसका बंद है, ठीक है, इसका बल्ब बंद है। लेकिन अगर ये 39 पे भी चला जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 39 पे स्टिल ही अपना टेम्परेचर है ये। हाँ, अगर बल्ब इसका ऑन हो रहा हो 41-42-45 बढ़ी जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब प्रॉब्लम है, तब मसला है, ठीक है। तो सेटिंग हमने वही रखी है, 37.5 के ऊपर ही रखा है, ठीक है, जो कि बेस्ट रिजल्ट होता है इनक्यूबेटर के लिए, ठीक है। ये जनाब, तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, डबल नंबर हमने दिया हुआ जनाब, गैस का भी है और जोंग का भी है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है। एक और बात, एडवांस पेमेंट पे काम हम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अथेंटिक और बेस्ट काम होता है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे भाई नेक्स्ट और यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए आसिफ अली को इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।